रास्ते की हमारे लिए व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ कूड़े के बारे में जा रहे हैं और तो रोड भी नहीं बननी है। हमने कब से कह रखा है कि रोड बनाना है, पर इधर के कोई बना ही नहीं रहा। और रास्ता की हालात आपके सामने है, इसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन के सारी अधिकारियों को बता दिया गया कि यहाँ पर बच्चों को बहुत ही बद से बुरा हाल है और कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। आने जाने में दिक्कत आती है। सांप है, बिच्छू है, किच्चड़ है, रास्ता नहीं है, बच्चों के पैर में किसी के जूता है, किसी के नहीं है, गरीबी के हालात में है, तो आते किचन में गिरते हैं बच्चे, किचन में बारिश होती किचन में गिर जाते, कपड़े गंदा होते, बच्चे वापस चले जाते हैं। तो हमें स्कूल दिए हैं अगर, तो हमें रास्ता भी दीजिए ना। चंडीगढ़ की समस्याओं के पार्ट फोर में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम आपको चंडीगढ़ की हकीकत बताने की कोशिश करते हैं, यानी कि क्या स्मार्ट सिटी है, उसकी क्या ग्राउंड लेवल पे हकीकत है, वो हम आपको दिखाते हैं। हम लोग चंडीगढ़ के एक ऐसे एरिए में हैं जहां पर सरकारी स्कूल से घरों तक जाने वाले बच्चों के लिए रास्ता ही नहीं है। बताइए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये कौन सी जगह है। अभी हमारे साथ शशि शंकर तिवारी जी हैं, समाज सेवी हैं, और इनसे जानेंगे कि क्या क्या समस्याओं का सामना बच्चों को करना पड़ता है। जी, सबसे बड़ी ये दिक्कत है, पार्थ प्रकाश चैनल का पहले के धन्यवाद जो आपने इस ग्राउंड रिपोर्ट का इस कबाड़ के अंदर में प्रयास किया इस मुद्दे को उठाने को, क्योंकि यहाँ पर कोई सुनने वाला ही नहीं जल्दी होता है। ये स्मॉल प्लेट मौली जगरा पार्ट टू है। यहाँ से हजारों बच्चे सामने आपके मक्खन माजरा में स्मार्ट स्कूल बना और यहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं। बहुत अच्छा हुआ, स्कूल भी अच्छा है, लेकिन विडंबना यह है कि इस स्कूल में जाने के लिए इन बच्चों का रास्ता ही नहीं है, और अगर एक रास्ता है भी तो 3 किलोमीटर दूर से है, सिंगल रोड है, वहाँ गाड़ियाँ बड़ी बड़ी ट्रक आते जाते हैं और एक एक्सीडेंट का डर बना रहता है। इसके लिए हम लोगों ने कितने बार प्रशासन के अफसरों से यहाँ तक प्रधानमंत्री ऑफिस तक चिट्ठी लिख चुके हैं। कहीं ना कहीं विडंबना है कि ये मामला रुक चुका है और अभी तक ये बच्चों का प्रॉपर मेरे हिसाब से 1 किलो 1.5 किलोमीटर का रास्ता के कारण इतनी बच्चों को दिक्कत आती है। अभी आप सामने देखिए, ये रास्ता है जो बच्चे सुबह से शाम तक जाते हैं और एक कबार है, इन कबारों के बीच में यहाँ पर शीशा से लेकर क्या नाम है कबार और अन्य आए दिन यहाँ पर कोई सांप निकलता है, कोई जहरीली जीव जंतु यहाँ निकलते रहते हैं, और इस कबारों के बीच से होकर सुबह हजारों बच्चे स्कूल खुल गया यहाँ से जाते आते हैं। इसके लिए यहाँ के जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 6 के और वर्तमान में डिप्टी मेयर हैं अपने हरजीत सिंह जी, उनसे भी प्रॉपर बात हुई। यहाँ के पार्षद जो हैं वार्ड नंबर 9 के विमला दुबे जी, उनसे भी प्रॉपर हुई, लेकिन इन लोगों ने भी प्रयास किया और हम लोगों ने भी अपने स्तर पे प्रयास किया, लेकिन पता नहीं ये और शिक्षा विभाग से लेकर नगर निगम से लेकर और प्रशासन तक सबको प्रॉपर अवगत, आज से नहीं ये 3-4 साल से प्रॉपर कराया जा रहा है, लेकिन पता नहीं कहाँ कहीं ना कहीं इसकी कुंडी हरी हुई है। पीछे एक प्रयास हुआ था कि यहाँ पर एक रोड निकल जाए और रोड निकला भी था नगर निगम और उनके तरफ से, लेकिन फिर बीच में पता नहीं क्या हुआ कि प्रॉपर यहाँ के जो जट जिम्मेदार जिनकी ये जमीन है उन लोगों ने बंद करवा दी, और बंद करवाने के बाद भी अगर इक्वायर के भी हम मान के चले तो इतनी ज्वलंत मुद्दा है। इस कबारों के बीच में से सुबह हजारों बच्चे आते जाते हैं और इनके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो हमारी तो पहले भी निवेदन थी और आज भी चंडीगढ़ प्रशासक महोदय से और गवर्नर क्या नाम है एडवाइजर से, डीसी साहब से, कमिश्नर महोदया से, सबसे जितनी चंडीगढ़ प्रशासन के आला अधिकारी हैं, मैं तो कहूंगा एक बार मौली जगरा पार्ट टू आइए और इन हजारों बच्चों को सुबह से जो स्कूल जाते हैं और आते हैं इनकी हकीकत देखिए कि किस स्थिति में आते जाते हैं, और पूरी स्मॉल प्लेट मौली जगरा पार्ट टू हजारों बच्चों की तरफ से मेरी एक प्रशासन से नर्म निवेदन है हाथ जोड़कर कि अति विलंब सारा काम छोड़कर ये जो मौली जगरा पार्ट टू और मक्खन माजरा स्कूल के बीच का जो रास्ता है
उस रास्ता को अति विलंब खुलवाया जाए। कल को कोई भी हादसा होता, आप देखिए इन शीशों के बीच में, इन कबाड़ों के बीच में आए दिन कभी कोई सांप निकल जाता है, कोई और भी जहरीली क्या नाम है जीव जंतु निकलते रहते हैं इन बीच में से। और जैसे ये सामने दिखाइए भाई साहब जरा, वो लगता है कि उजेल गेट है, इन गेटों में से होते हुए बच्चे निकलते हैं। इसे बड़ा अभी देखिए ऐसे, ये जब बच्चों की छुट्टी होती है तो जैसे लगता है कि इस रास्ते से बच्चे आते हैं और जाते हैं। तो मेरी तो बस आपके चैनल के माध्यम से यही मेरी निवेदन है कि जल्द से जल्द ये जो मौली जगरा पार्ट टू और मक्कर माजरा उच्च विद्यालय है इसके बीच का जो रास्ता है, और बहुत दिन से कहीं ना कहीं राजनीतिक शिकार है, प्रशासन की लापरवाही है, और इस जिनकी भी जमीन है उनसे बात करके जैसे भी हो सके प्रशासन इस रास्ते को निकलवाए, यही हमारा हजारों बच्चों की तरफ से एक निवेदन है। और प्रशासन हमारा निवेदन पे, मेरे को आशा है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर प्रयास करेगा। अगर फिर भी यही हालात रहा तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सारे बच्चों को, माता पिता और बच्चों को लेकर फिर रोड पर भी अगर उतरना पड़े तो शायद अब 3-4 साल हो गया, अब सारी सब्र का बांध टूट चुका है। अगर फिर भी प्रशासन नहीं माना तो लास्ट में हमारी तो यही होगी कि फिर रोड पर बच्चों के समेत उनके परिवार को लेकर बैठने के लिए हम लोग मजबूर हो जाएंगे। तिवारी जी, कितने बच्चे यहाँ पे स्कूल में पढ़ते होंगे? यहाँ हजारों की तादाद में, जी मैं अभी आपको वीडियो दे रहा हूँ, हजारों की तादाद में बच्चे आते हैं और जाते हैं इसी रास्ते से, और वैसे तो काफी बच्चे इसमें पढ़ते हैं लेकिन जो इस रास्ते से बच्चे आते जाते हैं उनकी तादाद हजारों की तादाद में है। कभी किसी तरह का पत्र वगैरह बच्चों की तरफ से हुआ? बच्चों ने आज से नहीं, 4 साल से सिस्टम चल रहा है जी, जब से स्कूल खुला हुआ है, और समय समय पर हम लोगों ने आवाज उठाते रहे। अभी गर्मी की छुट्टी में फिर दोबारा स्कूल खुल गया, इससे पहले भी हम लोगों ने कितने बार प्रिंसिपल से लेकर यहाँ के पार्षद से लेकर और अफसरों से लेकर सबसे सबके पास मुद्दा उठ चुका है, यहाँ तक कि बच्चों ने प्रदर्शन भी कर चुके हैं कि हमारे को जल्द से जल्द यहाँ पर आने जाने की जो दिक्कत हो रही है हमारे को रोड दिया जाए, लेकिन मामला जैसे का तैसा ही है। मेरा नाम नंदलाल प्रताप है, मैं भी सुंदरनगर में रहता हूँ जी, और यहाँ 1568 मकान है, कम से कम 5 से 6 हजार की बस्ती है जी। और हमारा यहाँ पे स्कूल का पहले जब हमें मकान मिला था तो हमें यहाँ पे स्कूल जहाँ कम्युनिटी सेंटर वहाँ स्कूल दिया गया था, यहाँ स्कूल बनेगा, उस स्कूल को काट कर हमें मक्खन मायरा में स्कूल दिया गया। तो मक्खन मायरा में जब स्कूल दिया गया तो हमारे बच्चे जब पढ़ने आ रहे हैं तो उसके लिए वैकल्पिक रास्ता क्यों दिया जा रहा है, उसके लिए परमानेंट रास्ता दिया जाए ना, कबाड़ियों के बीच से रास्ता दिया जा रहा है जी। उसमें कबाड़ है, सांप है, बिच्छू है, कीचड़ है, रास्ता नहीं है, बच्चों के पैर में किसी के जूता है किसी के नहीं है, गरीबी के हालात में है तो आते कीचड़ में गिरते हैं बच्चे, कीचड़ में बारिश होती कीचड़ में गिर जाते, कपड़े गंदा होते, बच्चे वापस चले जाते हैं। तो हमें स्कूल दिए हैं अगर तो हमें रास्ता भी दीजिए ना, हमें इस गरीबी हालात में जब दिए तो या तो हमें वही रहने दीजिए या तो हमारे बच्चों को नाम काट दीजिए। अगर ऐसी समस्या प्रशासन के पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है तो हमारे बच्चों को बोल दे कि हम आपके बच्चों को स्कूल नहीं जाने देंगे, हम आपको रास्ता नहीं देंगे, या तो स्कूल दिया है तो हमें रास्ता दिया जाए। हमें तो यही प्रशासन से हर आदमी से यही रिक्वेस्ट है कि रास्ता दिया जाए, नहीं तो रास्ता अगर नहीं है तो हमारी मकान का जो भी है बाउंड्री वॉल की जाए, बिल्कुल बंद कर दी जाए। मेरा नाम विश्वकर्मा शाह है, मैं इसी सुंदरनगर में रहता हूँ। हम लोग को डिमांड है कि बच्चों के लिए एक अच्छा रास्ता हो, जिस रास्ते से बच्चे आते जाते हैं, बच्चों को कांच कुछ लगता है, पैर कुर कट जाता है, बरसात में उनको कीचड़ होता है, इसके अलावा भी सांप गुजर भी निकलते रहते हैं, उनका भी उन चीज़ का डर होता है। हम सभी लोग का यही डिमांड है कि एक अच्छा रास्ता दिया जाए जल्द से जल्द बच्चों का। ये जो समस्याएं हैं चंडीगढ़ की, ये हमेशा उठती ही रहेंगी, और जहां भी चंडीगढ़ के लोगों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा हम अर्थ प्रकाश उसे कवर करेंगे, और ये चाहेंगे कि लोगों को जो आम जनता है, बड़े घर नहीं छोटे घर भी समस्याओं का सामना ना करें। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो चंडीगढ़ में बताया जाता है, देश भर में दुनिया भर में मशहूर है चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी है, तो वाकई वो स्मार्ट सिटी जमीनी स्तर पे भी देखने को मिले। बच्चे कहे जाते हैं कि नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, तो वो नन्ने मुन्ने राहियों के लिए राह ही नहीं है कि वो स्कूल से घर तक पहुँच पाए। विद्या लेने जाते हैं तो सिपाही बनने के लिए, देश के नाम रोशन करने के लिए वो
उस रास्ते पर ही नहीं चल पाते, वो रास्ता ही टूटा हुआ है जहाँ पर वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, जहाँ भविष्य बनाने के लिए वो जाया करते हैं। सरकार से गुहार रहेगी कि वो ये रास्ता किसी ना किसी संधि के जरिए ये रास्ता बनवाए, कोई ना कोई उनके लिए राह खोले, ताकि वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का जो मुश्किल रहा है वो ना जाकर उस पर एक आसान से रास्ते से अपने स्कूल जा पाए और अपना वापिस आ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और प्रशासन के कानों में ये वाली जो समस्या है उसको पहुंचाएं। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।